हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड टेन नेचर ऑफ़ रूट्स स्टार्ट कर रहे हैं इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव सीन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आर गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए इफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी राइट एक्स इज इक्वल टू क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी टू ए इफ़ बी स्क्वायेर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो वी गेट टू डिस्टिंग रियल रूट्स राइट अगर बी स्क्र माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है तो हमें कैसे रूट्स मिलेंगे टू डिस्टिंग रियल रूट्स मिलेंगे तो उसमें क्या होगा माइनस बी और कौन कौन से रूट्स मिलेंगे तो अब टू टू ए दोनों के अपन में रखेंगे यहाँ पर हमें टू टर्म्स बताई गई है देखो एक तो माइनस बी वाली टर्म है और दूसरी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो टू ए हम दोनों के अपॉन में रखेंगे तो एक दो टर्म हो गई राइट तो एक में प्लस आएगा और दूसरे में माइनस आएगा ओके तो माइनस बी अपॉन टू है प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू एंड माइनस बी अपॉन टू ए माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू तो ऐसी दो वैल्यू मिलती है इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो राइट तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस जीरो दैट इज माइनस बी अपॉन टू ए और माइनस बी अपॉन टू ए राइट तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ राइट एक्स की वैल्यू क्या होती है एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को डू डी लिखते हैं हम राइट अपॉन टू ए अगर डी डी क्या बोलते हैं स्क्वायर माइनस फोर ए सी को डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट राइट ये जीरो है तो एक्स इज इजिकल टू क्या मिलेगा माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस रूट जीरो बाय टू ए राइट तो यहाँ से टू ए निकाल देते माइनस बी राइट तो क्या वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा माइनस बी बाय टू ए और माइनस बी बाय टू ए ऐसे दो वैल्यू हमें मिलेगी ओके क्योंकि ये जीरो तो ज़ीरो ही रहेगा ओके प्लस करेंगे तो भी ज़ीरो माइनस करेंगे तो भी ज़ीरो ओके तो ऐसे अगर डी इज इक्वल टू जीरो है तो दो रियल रूट्स इक्वल आएंगे ओके इक्वेशन हैव टू इक्वल रियल रूट्स इफ़ डी इज इक्वल टू जीरो, ओके सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो और माइनस बी अपॉन टू ए। एटफॉर वी से दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स इन दिस केस इन दिस केस मतलब कौन सा केस बी इक्वल टू जीरो बी स्क्वायर माइनस फोर एस इक्वल टू ज़ीरो इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो मतलब डी की वैल्यू लेस देन जीरो है देन देर इज नो रियल नंबर्स हू स्क्वायर इज माइन बी स्क्र माइनस फोर ए सी राइट लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी डी की राइट right? तो डी का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं ना माइनस का स्क्वायर रूट नहीं निकलता देर फॉर देर आर नो रियल रूट्स फॉर द गिवन फॉर द डी इक्वेसन इन दिस केस राइट तो डी लेस देन ज़ीरो होगा तो ऐसे केस में नो रियल रूट्स मिलेंगे सिंस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिटरमाइंस वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्सक्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो हैज़ रियल रूट्स और नॉट राइट तो d की वैल्यू जो आएगी उसके ऊपर से हमें ये पता चलेगा कि डी के पास रियल रूट्स है कि नहीं बी स्क्र माइनस फोर ए सी इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वॉटेटिक इक्वेशन तो उसको हम सिम्बॉल d से बताएंगे ओके okay. ये टेक्सट बुक में नहीं बताया लेकिन हम सम लिखने के वक्त डी लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इतना लंबा लिखो उसकी जगह डी लिख देने का डिस्क्रिमिनेंट ओके okay. सो so, क्वालिटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हैज टू डिस्टिंग रियल रूट्स इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो तो टू इक्वल रूट्स इफ़ बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो ओके और नो ए, लास्ट केस क्या के है नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सीज लेस देन ज़ीरो राइट तो आपको ये अपनी नोटबुक में लिख देना है मैं बता रहा हूँ नोट्स करके लिख दो अपनी बुक में बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी इज कॉल्ड बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रीमिनंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम लिखेंगे सिंबल d से राइट ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है ये हम अपने तरीके से लिख रहे हैं सम्स में हम पूरा ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नहीं लिखेंगे डी लिखेंगे or ax square plus bx plus c is equal to 0 has two distinct roots distinct roots if d greater than 0 इट right, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर इज इज ग्रेटर देन जीरोन नेक्स्ट लिखेंगे इट हैज मतलब कि इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज टू इक्वल रूट्स इक्वल रूट्स डी इज इक्वल टू जीरो बिकॉज़ बिकॉज एक्स इज इक्वल टू क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय टू ए और यहाँ डी की वैल्यू जीरो रखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ज़ीरो बाय टू ए तो क्या मिलेगा हमें माइनस बी बाई टू ए क्योंकि प्लस जीरो माइनस जीरो कुछ नहीं होगा तो माइनस बी बाई टू ए दो ऐसे इक्वल रूट्स मिल जाएंगे राइट देन लास्ट केस नंबर फोर मार के लिखते हैं इट हैज़ नो रियल रूट्स इट मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज इट हैज़ नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट इज डी लेस देन ज़ीरो राइट अगर डी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तो नो रियल रूट्स मिलेंगे क्योंकि x इज इक्वल टू क्या है उसका भी बीकॉज करके लिख देते हैं बिकॉज x इज इक्वल टू क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए राइट सपोज हमें डी इज इक्वल टू मिला लेट डी इज इक्वल टू मिला हमें माइनस थर्टी वन राइट right. तो एक्स सी सी वोटू हम लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस माइनस रूट थर्टी वन बाय टू है तो माइनस रूट थर्टी वन अब डिस्क्रिमिनेंट तो मतलब स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा ओके तो इसलिए नो रियल रूट्स मिलेगा हमें ओके तो ये आपको लिख के रखना है इसके बाद हम एग्जांपल सिक्सटीन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे